अयोध्या फैसले पर रिव्यू पिटीशन को लेकर मुस्लिम पक्षों में दो फाड़ होती नजर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ने रविवार को ऐलान किया कि वो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। इतना ही नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन लेने से भी इनकार कर दिया। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इस मामले में मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी की राय अलग है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी ने कहा है कि वो इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे। बता दें कि लखनऊ में हुई पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद सचिव जफर याब जिलानी ने बताया कि आखिर वो अयोध्या फैसले पर रिव्यू पिटीशन क्यों चाहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले खामी हमें नजर आती है कि जिन मूर्तियों को 1949 में जबरिया तौर पर फोर्सिबली इलीगली रखा गया, उसको डीटी कैसे माना जा सकता है। दूसरे की जगह पर मस्जिद थी, उस वक्त मस्जिद में मूर्ति रखी गई तो वो गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना, तो उसको हम डीटी कैसे मान लें? हिंदू लॉ के लिहाज से डीटी कैसे हो जाएगी? तो उसको ज़मीन कैसे दिया? सबसे बुनियादी सवाल ये। फिर सुप्रीम कोर्ट में कब्जे के बारे में जो कहा गया है, तो ये मानने के बाद कि मीर बाकी के ज़माने में मस्जिद बनी, तो अब उसके बाद मस्जिद काहे के लिए बनती है? नमाज़ पढ़ने के लिए बनती है। कहाँ ये आया है कि मस्जिद में 200 साल 300 साल कुछ और हुआ, नमाज नहीं हुई? कोई एविडेंस की नहीं। इसलिए तो ज़माने की एविडेंस हो नहीं सकती थी, ना उनके पास है ना हमारे पास है। जहाँ से एविडेंस शुरू हुई 1858 से, वहाँ से फिर मस्जिद आ गई, उसकी एविडेंस है, कोर्ट ने मानी। तो उसके बाद भी मुसलमानों को जो कंटिन्यूसली मस्जिद में रहे हैं उनको मस्जिद की ज़मीन न देकर दूसरे को दे दी गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के को दोबारा ये बातें बताना चाहते हैं, और उसके बाद जो जजमेंट हो देगा। ये जो अंसारी जी कहते हैं बस तीसरा एक ही सवाल पिटीशन पे नहीं जाना चाहिए। हम इकबाल अंसारी की राय के पाबंद नहीं हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो उसमें उनसे ज़्यादा समझदार लोग हैं जिन्होंने फैसला किया। वही मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि रिव्यू याचिका दाखिल नहीं कर रहे हैं, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। देखिए, सवाल बाबरी भी तो राम जन्मभूमि का जो है मुकदमे का है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल बीत गए सबूत पेश करते करते, कोर्ट ने फैसला कर दिया। 70 साल में हमने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। पूरे देश में जो है अमन और चैन के लिए, कोई हिंदू मुसलमानों में कोई वाद विवाद के लिए हमने एक पैगाम दे दिया कि कोर्ट ने फैसला कर दिया, आप जो हमने मान लिया आप लोग भी मान लो। आज जो है हमारे देश में शांति का एक माहौल बना रहा। हम वही चाहते हैं कि देश में अमन और शांति होना चाहिए। हम लोग पत्रकार हैं तो हमेशा शांति की बात करते हैं। फैसला कैसे हुआ, क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ, हम उसमें ज़्यादा बात बढ़ाने की बात नहीं करते। हम कोर्ट का फैसला मान लिए। हम मुसलमान हैं तो जो है हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के कानून का सम्मान भी करते हैं। हमने फैसला मान लिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन चूँकि पक्षकार बहुत ज़्यादा है, कौन क्या करता है, हम सबके जिम्मेदार भी नहीं है। हम अपने आप को जिम्मेदार है, जितने लोगों ने मेरी बात माना अमन चैन रहा। अब कौन लोग क्या कर रहे हैं ये हमारी कोई जिम्मेदारी, क्योंकि 25 पक्षकार हैं हिंदू मुसलमान मिलकर के, 5 पक्षकार मुसलमानों में हैं, सबके मुकदमे अलग अलग हैं। हमने अपना फैसला, हमें मुझको अपनी जिम्मेदारी है कि हमने जो कहा लोगों ने मान लिया। आज जो है आज भी हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो हो गया वो हो गया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल, अब आप मान लीजिए कि फैसला कहाँ चला गया और हमने मान लिया। इन सबके बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जफर याब जिलानी की जुबानी बोल रहे हैं और वो इस रिव्यू पिटीशन के पक्षकार बन गए हैं।